नमस्कार, मैं हूं प्रवीण साहनी और आप देख रहे हैं राजनीति। राजनीति में आज बात करेंगे बीजेपी में चली बगावत की बयार की, नेताओं के पोस्टरों पर जूता वार की, सपाइयों के पास बगावत के विकल्प की, कांग्रेस का कचुंबर निकालने, नामांकन के दौर में नमूनों की कमी नहीं है, हरकतें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, कुछ शर्तों के साथ सबको चुनाव लड़ने की आजादी है और इसी आजादी के दायरे में कोई वैशाख नंदन का वंदन कर रहा है, गधे की सवारी कर रहा है तो कोई नामांकन के लिए अर्थी सजा रहा है। सबके अपने तर्क और सबका अपना तरीका, लेकिन मकसद तो बस एक है कि कैसे भी चर्चा में आए। नामांकन में नजर आए कैसे कैसे नजारे, जीत के लिए सज गई सियासी अर्थी, जनाजे पर सवार हो चला उम्मीदवार, ग्रेटर नोएडा में वैशाख नंदन का वंदन, गधे पर सवार हुआ निर्दलीय उम्मीदवार। नामांकन प्रक्रिया में नए नए नमूने और नजारे सामने आ रहे हैं, सबकी अपनी तैयारी और सबके अपने तरीके। किसी भी तरह जीत का रास्ता तय करना है, चाहे फिर अर्थी से जानी पड़े या गधे पर सवार होना पड़े। ये महाशय हैं देवी राम प्रजापति, गधे पर सवार होकर नामांकन के लिए जा रहे हैं और समर्थक जयकारा लगा रहे हैं। दादरी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे देवी राम ने राष्ट्रीय नौजवान दल से पर्चा भरा है। गधे की सवारी के पीछे इनका अपना तर्क है, कह रहे हैं गाड़ी की सवारी के लिए पैसा नहीं है तो गधे की सवारी कर रहे हैं। 403 पे चुनाव लड़ने की प्रक्रिया जारी है और हम चाहेंगे हमारे 403 सीटन पे चुनाव लड़े हम, और हमारे मेन उद्देश्य ये होंगे कि एक तो गुंडा राज जो चल रहा है। अब दूसरी तस्वीर देखिए शाहजहांपुर से, इन्होंने जीत के लिए अपना जनाजा सजा दिया और नामांकन के सफर पर निकल पड़े। रोते बिलखते ये प्रत्याशी कह रहे हैं देश के नेता मर चुके हैं, उनके जमीर को जगाने के लिए जनाजे से नामांकन के लिए जा रहे हैं। देश के सब नेता मर चुके हैं, उनकी भावनाएं मर चुकी हैं, देश की ये हालत हो गई है, इनको कोई थोड़ी बहुत चिंता नहीं है। इनको इसलिए ये तैयारी हमने इसलिए की है कि उन्हें पता चले, उनको जिंदा करने के लिए मैंने ये सब कुछ किया है। इनकी अर्थी को गेट पर ही रोक दिया गया और चलकर ही नामांकन करना पड़ा। जीत हार जो भी हो, लेकिन ऐसे प्रत्याशी सुर्खियां खूब बटोर रहे हैं और मतदाताओं का मनोरंजन भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। मिया बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, दोनों को चुनाव लड़ना है, दोनों लड़ो, एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है, खिलाफ लड़ो। बुढ़ाना से मिया बीबी ने पर्चा भरा, चर्चाओं में आ गए। पत्नी बसपा उम्मीदवार है और पति निर्दलीय। अब ये जीत का जतन है या सुर्खियों की सियासत, देखिए रिपोर्ट में। बुढ़ाना के घमासान में मियां बीवी मैदान में, कादर की कूटनीति या पॉलिटिक्स पैतरा, बीवी के सामने भर दिया पर्चा। जीत का जतन या सुर्खियों की सियासत, नामांकन प्रक्रिया में आए दिन नए नए नमूने नजर आ रहे हैं, हारने के लिए पर्चा भी भर रहा है तो कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए, कोई अर्थी पर लेट कर नामांकन के लिए जा रहा है तो कोई लुटने के लिए विधायक बनना चाहता है। कई रिश्तों की राजनीति हो रही है तो कहीं रिश्तेदारों के खिलाफ रण में उतर रहे हैं। ये है कादर राणा, 2009 में बसपा से लोकसभा सांसद रह चुके हैं, 2014 में बसपा के टिकट पर चुनाव हार चुके हैं। अब बसपा ने मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना सीट से इनकी बीवी सैयदा बेगम को प्रत्याशी बनाया है, वो पर्चा भी भर चुकी है। लेकिन कादिर को क्या सूझी, बुढ़ाना से निर्दलीय पर्चा भर दिया, लेकिन क्यों इसका कोई साफ जवाब नहीं दिया और लोगों के सामने पॉलिटिकल पहेली छोड़ दी। नामांकन लिया जबकि आपकी पत्नी प्रत्याशी है, जी जी, क्या जरूरत पड़ी, उनके विरोध में चुनाव लड़ेंगे? ये तो आप जो बेहतर समझोगे, बेहतर तो आप बताएंगे ना, जो आपने, क्योंकि विकल्प तो आपने सुना ना, आप ही बता दो, जो कुछ कहना आप ही कहते रहोगे, मैं तो सीधा जवाब देता रहूंगा। पहला ऐसा चुनाव है कि जो पत्नी के सामने ही खड़े हैं चुनाव में, ये भी तो बहुत अच्छी बात है। उनको हराने के लिए, हराने के लिए नहीं, जिताने के लिए इंशाल्लाह, जिताने के लिए भरा है, इंशाल्लाह जीत के आएंगे, इंशाल्लाह दुआ करियो। ये तो टाइम बताएगा। उद्देश्य जो भी हो, लेकिन मियां बीवी जरूर आमने सामने है। कहने वाले तो कह रहे हैं
कि कादिर राणा बाद में नामांकन वापस ले लेंगे। ये नामांकन सेफ जोन के लिए किया है, अगर कहीं बीवी सैदा बेगम के नामांकन में कुछ दिक्कत हो तो ऑप्शन बचा रहे। लेकिन जो भी हो, इस नामांकन से पब्लिसिटी जरूर मिल गई। मुजफ्फरनगर से समाचार प्लस के लिए प्रवेश कुमार की रिपोर्ट। सपा कांग्रेस के गठबंधन ने जाने कितनों का गणित बिगाड़ दिया। जहां कांग्रेस को टिकट मिला वहां सपा ही अनाथ हो गए, और जहां सपा को टिकट मिला वहां कांग्रेस के दावेदारों को कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन कांग्रेस का कबाड़ा करने का संकल्प जरूर सपाइयों ने ले लिया। कांग्रेस वाली सीटों पर सपाई बगावत कर पर्चा भर रहे हैं, और पुरकाजी में तो माँ बेटे दोनों ने नामांकन कर दिया। सपाइयों का संकल्प बगावत ही विकल्प, गठबंधन की गांठ में उलझ गए अपने। कांग्रेस के हिस्से सीट आई, स्वाहा हुए सपने। पुरकाजी में प्रत्याशियों का गजब पेंच, मां के सामने बेटा मैदान में। मुजफ्फरनगर जिले की 6 विधानसभा सीटों में से एक है पुरकाजी। सपा कांग्रेस का गठबंधन हुआ तो ये सुरक्षित सीट कांग्रेस के हिस्से आई। दरअसल 2012 में यहां जीत तो बसपा को मिली, लेकिन कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। इसका परिणाम ये रहा कि सपा की घोषित प्रत्याशी उमा किरण की जगह दूसरे नंबर पर रहे दीपक कुमार को गठबंधन प्रत्याशी बनाया गया। उमा किरण सपा से पिछली बार चुनाव लड़ी थी लेकिन काफी पीछे रही। इस बार लड़ने की पूरी तैयारी में थी, लेकिन हाय रे गठबंधन, सारे अरमान स्वाहा कर दिए और कांग्रेस के दीपक कुमार टिकट ले उड़े। उमा की आशा की किरण डूबने लगी, सारे अरमान ध्वस्त हो गए। लेकिन कहां हिम्मत हारने वाली, पर्चा भर ही दिया। सिंबल तो मिल ही गया था सपा का, अब पार्टी नामांकन रद्द कराए तो कराए। उसका भी अच्छा आइडिया निकाला, बेटे को भी निर्दलीय पर्चा भरवा दिया पुरकाजी से, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उमा किरण के दोनों हाथों में लड्डू। कहने को माँ बेटा आमने सामने हैं, लेकिन असल में अगर उमा किरण की उम्मीदवारी निरस्त हुई तो बेटा तो है ही मैदान में। और अगर तुक्का चल गया, नामांकन नहीं निरस्त हुआ तो बेटे का पर्चा वापस ले लिया जाएगा। वाहरी सियासत, और उस पर उमा किरण की सादगी और भोलापन, जरा सुनिए तो। हमारे पास कोई किसी तरह का निर्देश नहीं हुआ है, आदेश नहीं हुआ है। हमें सिंबल मिला हुआ था, टिकट हमारा हुआ था, इसलिए हमने पर्चा दाखिल किया है। तो अगर पार्टी आपको पर्चा वापस करने के लिए कहेगा, आप वापस करेंगे? अगर हमें हाई कमान से आदेश हो गया वापस करने का, हम वापस कर देंगे। उमा किरण के बेटे विक्रांत ने पर्चा तो भर दिया, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि लड़ाई किससे है, जनता माँ का समर्थन करे या बेटे का। इसका जवाब विक्रांत के पास नहीं है, यानी सपा आला कमान को चुनौती देते हुए माँ बेटे ने चाल चली। हमने पुरकाजी विधानसभा 13 से नामांकन कराया। आपके परिवार से और कोई भी है जिन्होंने नामांकन किया? हाँ, हमारी माता जी ने नामांकन कराया। किस पार्टी से? समाजवादी पार्टी से नामांकन। क्या नाम है? उमा किरण। तो अपनी माता जी के सामने चुनाव लड़ोगे? नहीं तो जनता की हमें कोई मतभेद तो नहीं है दोनों में, हम एक परिवार है। तो मतभेद किसी की, मतलब किसी जनता ने मुझे कहा था कि आप पर्चा भरिए, तो जनता फिर आपको चुनेगी, आपकी माता को चुनेगी? नहीं, तो जनता के ऊपर डिपेंड है वो। उधर कांग्रेस की तरफ से उतरे गठबंधन उम्मीदवार दीपक ने सवाल उठाते हुए कहा कि यह गठबंधन धर्म नहीं है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा मुद्दा जो है क्षेत्र के लोगों की हमें खिदमत करनी है, उन जनता की सेवा करनी है, विकास के सारे काम करने हैं। और इत्तफाक से मैं उन दो पार्टियों का आज प्रत्याशी हूं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, जिनका एजेंडा ही केवल विकास का एजेंडा है। कांग्रेस की मिली सीटों पर सपाइयों की बगावत गठबंधन की परेशानी बढ़ाने वाली है, और कांग्रेस प्रत्याशियों को सपाइयों का समर्थन न मिलना जीत की राह में बड़ा रोड़ा है। और इधर गठबंधन उम्मीदवार को हराने के लिए माँ बेटे दोनों ने ताल ठोक दी है। उमा किरण या बेटे को जीत मिले ना मिले, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी को हराने के समीकरण जरूर तैयार कर लिए हैं। मुजफ्फरनगर से समाचार प्लस के लिए प्रवेश कुमार की रिपोर्ट। देवरिया के दंगल में सारे कायदे कानून धराशायी हो गए, बगावत का बिगुल बजा और आक्रोश कलराज के आंगन में फूट पड़ा। मंत्री जी के पोस्टर लगे, कालिक पोती गई और जूतों की माला पहना दी गई, और फिर जो लाइनें लिखी गई उन्होंने बगावत की लकीर को और लंबा कर दिया।
देवरिया में भाजपाई दंगल, चौराहों पर चुनावी घमासान, टिकट वितरण पर जूतावार, टिकट वितरण के बाद बीजेपी में शहर दर शहर, चौराहे दर चौराहे तमाशा शुरू हो गया। विरोध का स्तर ऐसा कि न वरिष्ठ नेताओं का लिहाज, न शब्दों की कोई मर्यादा। देवरिया केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ टिकट वितरण से नाराज लोगों ने विरोध के लिए अजीबोगरीब तरीका निकाला और कलराज मिश्र के आवास के सामने और शहर के तमाम चौराहों पर कलराज मिश्र के पोस्टर लगा दिए और पोस्टरों में कलराज मिश्र के चेहरे पर कालिख पोत दी। इतना ही नहीं, पोस्टर पर जूते पहना दिए। पोस्टर में कलराज मिश्र ही नहीं, ओम माथुर और सुनील बंसल को भी निशाने पर लिया गया और पोस्टर पर लिखा कि कलराज मिश्र भ्रष्ट हैं, जनता इनसे त्रस्त है। आगे लिखा, ओम माथुर चोर हैं, सुनील बंसल घूसखोर हैं। पोस्टर किसने लगाए ये तो साफ नहीं हो पाया, लेकिन साफ है ये काम टिकट वितरण से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं का है। इस पर बीजेपी नेता भी स्वीकार कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में रोष है। कोई बहुत ज्यादा दुखी होगा, कार्यकर्ता बहुत निराश होगा, लेकिन मेरा नजरिया तो है कि इस तरह की काली पूतना और चप्पल जूते की माला पहनाना और पोस्टर चिपकाना यह तो उचित नहीं है, उचित मंच से अपनी बात कहनी चाहिए। वहीं सपा इसे अपने लिए शुभ संकेत मान रही है। बीजेपी में उपजे असंतोष पर सपा का कहना है कि उन्होंने हमारा काम आसान कर दिया है। हम लोग इसकी निंदा करते हैं क्योंकि इस तरीके का काम, एक पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो, तो इस तरीके का काम बिल्कुल ही निंदनीय है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि जो भी जनपद में टिकट का वितरण हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी की बड़ी मदद हो गई है भाजपा की तरफ से, और हम लोगों की सीट आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे में कार्यकर्ताओं की नाराजगी से बीजेपी के लिए पार पाना आसान नजर नहीं आ रहा है। ये किसी शहर या विधानसभा की स्थिति नहीं, जगह जगह से विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देवरिया से समाचार प्लस के लिए घनश्याम मिश्रा की रिपोर्ट। बगावत का दंगल सिर्फ देवरिया में ही नहीं सजा, कौशाम्बी में भी केशव के पोस्टर पर जुतांजलि की गई। टिकट वितरण में पासी समाज पर पासा फेंका गया, लेकिन पैतरा उल्टा ही पड़ा और केशव के पोस्टर पर बीजेपी के नाराज लोगों ने जमकर कसक निकाली। सियासी कबड्डी में धोबी पछाड़ खा गई बीजेपी। केशव के घर में खूब मची किचकिच। घर में ही फूके जाने लगे केशव। बाहरियों से कैसे लड़ेंगे बीजेपी के मौर्य। बीजेपी के मौर्य की मुश्किलें अपने ही घर में बढ़ गई हैं। इसे कहते हैं सिर मुंडवाते ही ओले पड़ना। अभी टिकट बंटवारे के चंद घंटे ही बीते थे कि केशव की तस्वीर पर लात घूसे और चप्पल चलाए जाने लगे। जिस सियासी पासे के जरिए पासी समाज को साधने का दांव बीजेपी ने चला, वो उसके लिए उल्टा पड़ने लगा। एक नहीं, तीन तीन विधानसभाओं में इसी पासे से बवंडर मचा रहा। सिराथू, मंझनपुर और चायल विधानसभा के नाराज लोग पार्टी के जिला कार्यालय पहुंच गए बीजेपी के मौर्य की तस्वीर के साथ। कोई आग में फूंक रहा था और कोई चप्पल से चेहरे की आरती उतार रहा था। प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद जी का पुतला फूका है और उनका विरोध प्रदर्शन यहाँ पे किया है, क्योंकि 253 विधानसभा में एवं कौशाम्बी जिले के तीनों विधानसभा में उन्होंने गलत निर्णय लिया है। 253 विधानसभा में जो जिताऊ प्रत्याशी उसका टिकट काटा जा रहा है, जिस प्रत्याशी का कोई नामो निशान नहीं है, कोई जिताऊ प्रत्याशी नहीं है, उसको टिकट घोषित किया जा रहा है। हमें तो जहाँ तक हमारे कार्यकर्ताओं का हुआ है, पैसा लेकर टिकट बंटवारा किया जा रहा है। और मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछना चाहता हूँ, उन्होंने किस आधार पर जो है टिकट का बंटवारा किया है। परिवर्तन यात्रा में यही कार्यकर्ता झंडा लेकर पागल हुए जा रहे थे पार्टी के चक्कर में, आज भी पागलों की तरह तोड़ फोड़ कर रहे हैं। चंद महीनों में ही पार्टी ने क्या से क्या बना डाला। गुस्से से लाल लोगों ने आरोप लगाया कि इलाके में जाटों की संख्या 60,000 है,
लेकिन 9000 की आबादी वाले धोबी को पार्टी का उम्मीदवार बना दिया गया। कार्यकर्ताओं की तादाद में महिलाएं भी शामिल हुई। जो लोग परिवर्तन यात्रा युवा मोर्चा महिला मोर्चा में जिन प्रत्याशियों से बहुत ज्यादा काम लिए गए, उन्होंने जन बल धन का सभी चीज का इस्तेमाल किया और शायद कहीं ना कहीं चुनाव करते वक्त हमारे शीर्ष नेताओं ने इनमें गलती कर दी है। टिकट का बंटवारा सही से नहीं हुआ तो जनता में आक्रोश है। जिला कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष की आरती उतार रहे लोगों को जब जिलाध्यक्ष ने पार्टी के चश्मे से देखा तो उनमें एक भी भाजपाई नजर नहीं आया। नाराज लोगों ने जिलाध्यक्ष रमेश पासी के साथ बदसुलूकी भी की। टिकट के आक्रोश में झुलस रहे कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष पर पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगाया। आज गांव में सर्वे करा लिया जाए, हर नंबर पर एक बार आता था हर सर्वे में, लेकिन इनका टिकट क्यों काटा गया है? और इसमें जो है हर काम में हम लोग आगे थे और 65,000 यहाँ को टिकट काट करके उसको जो है 9,000 धोबी है धोबी को दिया गया है, 65,000 को क्यों नहीं दिया गया है टिकट? इसमें पराए को पटकनी कैसे दे जब लड़ाई में अपने ही उतर आए? लड़ाई आर पार की नजर आ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि जातियों को साधते साधते बीजेपी को खुद कार्यकर्ता ही साथ दें। कौशाम्बी से अरविंद राणा की रिपोर्ट। अयोध्या के योद्धा हैं विनय कटियार। विवादों से कटियार का चोली दामन का साथ है, लेकिन इस बार जुबानी आग उगलने वाले कटियार ने सुंदरता की सियासी परिभाषा बता डाली। अब कटियार के सुंदर कांड पर चुनावी मौसम में मारा मारी मची है। इससे ज्यादा तो बहुत सी सुंदर और भी महिलाएं लड़कियां हैं जो स्टार कैंपेनर। चुनाव में चमड़े की जुबान सियासी मर्यादाओं की चमड़ी उधेड़ रही है। सियासत का सीना चीरकर एक से बढ़कर एक बयानवीर उपजने लगे हैं, जैसे कि प्रकट हुए राम नाम के सबसे बड़े पैरोकार विनय कटियार। सुंदर कांड पढ़ने वाली जुबान जब सुंदरता की परिभाषा गढ़ने लगी तो देश ने शर्म से सिर झुका लिया। इनकी नजर में जन्नत की सारी परियां ही उतर आई थी बीजेपी में, जैसे आज प्रियंका गांधी से सियासी मुकाबला छोड़कर सुंदरता के सारे मुकाबले जीत लेने। नहीं, उस पर क्या फर्क लगता है, उनसे ज्यादा तो बहुत सी सुंदर और भी महिलाएं लड़कियां हैं जो स्टार कंपेनर हैं, हीरोइन हैं, कई कलाकार हैं, वो ज्यादा हैं। इसी चुनावी जंग में एक और जंग बहादुर ने हंगामा खड़ा कर दिया। जेडीयू से सांसद शरद यादव ने बेटी और वोटों की तुलना कर दी। सालों से मिली सियासी सीख की चिता जला डाली शरद यादव ने, ये कहकर कि बेटी की इज्जत से ज्यादा जरूरी वोट है। ये बेटी की इज्जत से भी वोट की इज्जत बड़ी है। बेटी की इज्जत जाएगी तो गांव मोहल्ले की इज्जत जाएगी। और वोट एक बार बिक गया, एक बार गड़बड़ हो गया तो इलाके की, देश की, सूबे की इज्जत और आबरू और आने वाला सपना पूरा नहीं। बोलकर ही महफिल लूटी जाती है, बोलकर ही सुर्खियां बटोरी जाती हैं। इसलिए नेता इस चक्कर में घनचक्कर बनने को भी तैयार नजर आते हैं, फिर चाहे दल कोई हो, नेता कोई हो, विनय कटियार हो या शरद यादव। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।